नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबरनाम में। मैं हूं आपके साथ चुंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से वीरवार को आरएसपुरा क्षेत्र गांव मोटे एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन कर किसानों कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत तरीके के साथ जागरूक बनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत सिंह कोतवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जम्मू, मैडम डिप्टी रजिस्ट्रार कंज्यूमर और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, हम यहाँ पे आज आरएसपुरा में एक अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया कि जो हमारा डिपार्टमेंट आजकल न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स को रजिस्टर करने की तरफ एक नया कदम बढ़ाया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें डायरेक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स रजिस्टर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें, क्योंकि आज का जो दौर है, यहाँ आज के दौर में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी है और इस एरिए में बहुत सारा पोटेंशियल है डेयरी सेक्टर का। तो हमने आज यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की जानिब से और JKMPC अलवानों के साथ मिलके यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और आज ही के दिन हमने यहाँ पे 20 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया है और इन्हीं सोसाइटीज़ के वाबस्ता जो लोग हैं, ये यहाँ पे आज इनके सेक्रेटरीज़, इनके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, जो इनका रेजोल्यूशन डाला हुआ है और इनके मेंबर्स हैं, ये यहाँ पे आए, इनके साथ हमने इंटरेक्ट किया और इनको इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और क्या कोऑपरेटिव क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है और डेयरी सोसाइटीज़ के अलावा भी कोऑपरेटिव में क्या स्कोप है, हमारे कंज्यूमर स्टोर्स ये खोल सकते हैं, वेजिटेबल सोसाइटीज़ यहाँ पे खोल सकते हैं, कोऑपरेटिव में किसी भी टाइप का कोई भी काम करना चाहें तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। और हम आज यहाँ पे लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी कोऑपरेटिव के साथ जुड़े और यहाँ पे डेयरी के पोटेंशियल के साथ साथ यहाँ पे बासमती का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का बहुत सारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भी प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए, उनको कोऑपरेटिव में कन्वर्ट किया जाए ताकि इस एरिया की डेवलपमेंट हो। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।